क्या कहना चाहेंगे? आप अपने सवाल में दोनों बार वही सवाल पूछ दिया आपने। आप क्या पूछ रहे हैं कि मतलब किताब क्यों पहले लॉन्च हो रही है? हाँ, तो पिक्चर बनने के बाद ही किताब लॉन्च होगी ना भाई। आप, मैं बताता हूँ आपके सवाल कहाँ गड़बड़ जा रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद जब वह लोकप्रिय हो जाती है फिल्म या चर्चित हो जाती है, उसके बाद उसके स्क्रीन प्ले की किताब छापी जाती है। ये क्या वजह है कि अभी फिल्म के रिलीज होने में कुछ और दिन हैं और आपकी किताब का विमोचन आज हो रहा है? ये है गुरु तुम्हारा सवाल, ठीक है, जो आपने पता नहीं पूछा ही नहीं। उसके जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि इसका जो स्क्रीन प्ले है वो खास इसलिए है कि अव्वल तो ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है, ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दास जी अभी भी हमारे बीच जीवित हैं और इसके जो लेखक हैं सीपी सुरेंद्रन साहब और जो फिल्म मेकर हैं अनंत महादेवन जी, इन दोनों ने मिलकर मतलब कुछ 6 महीने का रिसर्च करने के बाद इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया साथ। तो स्क्रीन प्ले बहुत ही खास, इसके जो डायलॉग्स भी हैं अंग्रेजी में है, तो ये पहला स्क्रीन प्ले है। तो ये स्क्रीन प्ले का स्तर इतना अच्छा है कि ये जो योडा प्रेस वाले, जब इन्होंने फिल्म देखी दिल्ली में तो इनको इतना पसंद आया कि ये प्रस्ताव लेके गए सीपी सुरेंद्रन जी के पास और उनके पास कि वो उसको प्रकाशित करना चाहते हैं। तो ये इवेंट हुआ कि 14 तारीख को हमारी फिल्म का रिलीज़ है, तो उसके पहले जैसे हमारा म्यूज़िक रिलीज़ होता है, हमने मतलब इस बात का इंतज़ार अवसर नहीं है कि ये फिल्म चर्चित होगी तभी हम, समझ रहे हैं। तो ये ख़ास किताब है, इसका बॉक्स ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सारा लेना देना साहित्य से है, इसीलिए आज इसका भी